इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी जी, हमारे मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी लेखिका विवेक अग्रवाल जी और आदरणीय दीक्षित साहब, पवन जी और उपस्थित सभी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी का, एक तो इस अवसर पर आप सब यहाँ पधारे, मैं मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। दूसरा, पूरे देश में कृषि सुधार बिल का स्वागत हो रहा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, सब जगह, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ इसका विरोध हो रहा है और वो विरोध भी मीडिया का सहारा लेके काफी लोगों में चिंता की स्थिति बना रहा है। लेकिन ऐसे समय में आप सब लोगों ने कृषि, किसान, सरकार और यूनियन, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। कृषक है तो सरकार है, किसान है तो यूनियन है, एक भी चीज नहीं होगी तो तीनों चीजें निरर्थक ही हो जाएंगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह जरूरी होता है कि हम पूरकता में भरोसा करें और पूरकता की जवाबदेही का निर्वहन करें। और मैं समझता हूँ आप सब ने इस व्यापक जवाबदेही को स्वीकार किया और कृषि सुधार बिलों को समर्थन देने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतने ठंड के सीजन में इतनी दूर से चलकर यहाँ पधारे हैं, यह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जहाँ तक इस आंदोलन का विषय है, स्वाभाविक रूप से इस आंदोलन में जो जेन्युइन किसान यूनियन, उनसे सरकार बात करने को भी तैयार है और वो विषयों पर बात करें तो कोई निराकरण की दृष्टि से भी सरकार सोचने को तैयार। लेकिन इस आंदोलन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों का हित चाहने वाले लोगों की संख्या कम है, सरकार को झुकाने की लालसा को लेकर बैठने वालों की संख्या ज्यादा है। कोई भी कानून बने और वो कानून जिस वर्ग के लिए बना है, तो यूनियन की जिम्मेवारी है कि यूनियन ये बताए इस कानून का ये प्रावधान हमारे वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो सरकार उस पर आपकी बात को समझेगी, विचार करेगी और उसका निराकरण करें। कोई सरकार ही सबसे ज़्यादा समझदार है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, और सभी अधिकारी मिलकर सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि मिलकर किसी कानून को बनाते हैं। लेकिन हम इसमें भरोसा करते हैं कि कोई भी जमीन पर बैठा हुआ किसान भी शायद किसी IAS अफसर से ज़्यादा अच्छा सुझाव दे सकता है, और इस मानसिकता को ध्यान में रखकर भी मोदी सरकार काम कर रही है। अब ये बात सही है कि एक लंबा कालखंड व्यतीत हो गया, सरकारें ऐसी रहीं जिनको ये लगता था कि अपना कार्यकाल पूरा ठीक से संपन्न हो, तो देश के लिए, वर्ग के लिए वोट पॉलिटिक्स को थोड़ा सा दाएं रख के
कोई भला करने की कोशिश करोगे तो कहीं तो दर्द होगा ही। प्रसव से पहले का दर्द अगर माँ बर्दाश्त नहीं करे तो बच्चे का सुख भी परिवार को प्राप्त नहीं होता। तो कुछ अच्छा करोगे तो कुछ होगा। देश भर को तकलीफ थी धारा 370 का समाप्त करने के लिए, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन धारा 370 समाप्त करने का काम भी हुआ ही। तो लोगों को चिंके बंद में उस समय तकलीफ थी तो तकलीफ खत्म हो गई ऐसा तो नहीं। लोग कंधा तलाशते रहते हैं, कौन सा कंधा मिले तो अपन अपना विषय निकालें। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म पिछले समय में भी हुए और आगे भी होंगे, क्योंकि 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 30 साल बाद किसी एक नेता को या एक पार्टी को बहुमत मिला। इससे पहले 30 साल तक किसी को बहुमत नहीं मिला। तो एक तो बहुमत का मायने ये होता है कि हमको जनता ने बहुत पसंद किया तो इस अहंकार में हम डूब जाए। एक ये होता है कि भाई बहुमत मिल गया है, अब अपने को क्या किसी की चिंता करना, 5 साल तो अच्छे से गुजारो, फिर जो होगा तो होगा, जिंदगी भर तो किसी को नहीं रहना। और एक सोच ये होता है कि बहुमत दिया क्यों, जो 2014 से पहले तो लोगों को जितने भी राजनीतिक पंडित थे वो तो एक आयास लगा रहे थे ना कि अब 180 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा, और अब तो मिला जुला कोई प्रधानमंत्री बनेगा और इधर से बनेगा और उधर से, यही हो रहा था ना। किसी को नहीं मालूम था कि 287 मिलेंगे। जब 287 मिल गई तो सबका मुंह बंद हो गया। फिर 5 साल तक गिनती चलती रही कि अब ये हो गया, GST आ गया, तो अब तो उल्टी गिनती शुरू, फलाना गिनती शुरू। लेकिन फिर 2019 आया तो आप लोगों ने उससे ज़्यादा बढ़ा के सीटें जिता दी। तो कुल मिला के इसके मायने ये है, या मतलब मैं या नरेंद्र मोदी जी ऐसा मानते हैं कि अगर इतना बहुमत जनता दे रही है तो इसलिए नहीं दे रही कि आप प्रधानमंत्री पद का लुफ्त उठाओ। जनता इसलिए वोट दे रही है कि जनता चाहती है कि आप कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हो जिससे देश की साख बढ़े, देश की गरीबी मिटे, देश सशक्त होकर आगे बढ़े। अब जब इस दिशा में जाना है तो निश्चित रूप से कुछ कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। उससे पहले तो कुछ नहीं होता। ये जो कानून आए हैं इन पर 30 साल से चर्चा चल रही है देश में, क्यों नहीं आए? क्योंकि कोई आढ़तियों के दबाव में था, कोई किसी के दबाव में था, कोई किसी के दबाव में था। धारा 370 क्यों समाप्त नहीं हुई? उसके पीछे पुष्टिकरण था। नागरिक संशोधन विधेयक क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें भी अपना वोट का ही खेल था। तो कुल मिला के अगर आज ये सुधार हुए हैं तो इन सुधारों के पीछे बहुत बड़ा संकल्प, और इस संकल्प के जमीन पर उतरने के बाद किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली आएगी ही। कौन नहीं जानता कि मंडी में किसान का शोषण होता है? ये मास्क बनाने वाला आदमी है उसको भी अधिकार है कि ये मास्क 60 रुपए का बेचेगा या 50 रुपए का बेचेगा, वही तय। वो ये उन्नाव में बिछेगा कि अलीगढ़ में बिछेगा या बनारस में बिछेगा या बम्बई बिछेगा, ये भी वही तय। उसका डीलर कौन होगा ये भी वही तय। देश में किसान सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उससे बड़ा उत्पादन किसी का नहीं। लेकिन वो ना अपनी कीमत तय कर सकता है, ना जगह तय कर सकता है, ना भाव तय कर सकता है। पंजाब में जो झंझट है वो इसलिए है कि पंजाब में मंडी टैक्स 8% है, और आढ़तियों का कमीशन 2.5%। दिक्कत कहाँ है इससे आपको ध्यान में आता।
लेकिन कुल मिला के जब कोई भी टैक्स व्यापारी पेड करता है तो वो टैक्स जोड़कर ही किसान की फसल के भाव तय करता है। अगर टैक्स नहीं देना पड़े तो उसका फायदा थोड़ा तो किसान को मिलेगी, पूरा टैक्स ना मिले लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में तो किसान को ही बढ़ के मिलेगा। लेकिन ये बात हर एक आदमी को बर्दाश्त होती नहीं, इसलिए अभी आंदोलन है, इसका जो भी झंझट है वो तो चल रहा है, देखेंगे उसको, समय उसका इलाज करेगा। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमने बहुत खुले मन से बात करी, ये जानते हुए भी कि उसमें कुछ लोग बात करने के योग्य नहीं है, फिर भी हम लोगों ने किसान ही माना है और किसान मानकर ही बात कर रहे हैं। किसानों के प्रति पूरी संवेदना है, पूरी गंभीरता है, इसमें कहीं कोई भी स्थिति हम लोगों ने आने नहीं दी। दो तीन विषय आप सब लोगों ने कहे हैं, मैं उस पर जरूर आपकी बात करना चाहूँगा कि एक तो MSP जो है वो भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है, हर चीज के लिए कानून नहीं बनता, कुछ चीजें कानून से तय होती हैं, कुछ कानून के अंतर्गत नियमों से तय होती हैं, कुछ चीजें प्रशासकीय निर्णय से तय। MSP जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, इसका आश्वासन प्रधानमंत्री ने भी दिया है, लोकसभा और राज्यसभा में मैंने भी दिया। दूसरा जो मिश्रा जी ने कहा कि MSP का मैकेनिज्म, अभी आप कहेंगे तो हमारे विवेक जी लेखी जी कोई बता देंगे पूरा। MSP अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में सारे राज्यों से लागत आपके यहाँ गेहूं की क्या आ रही है उसको जोड़कर जो टोटल लागत फिक्स होती है, मतलब उसमें आदमी का भी श्रम है, बैल का भी श्रम है, डीजल भी है, ब्याज भी है, सब चीज़ें आप पूरे मतलब जो जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं उसमें, तो उत्तर प्रदेश से क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश से क्या हो रहा है, सारे राज्यों से मिलकर फिर जो लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर अब MSP घोषित की। पहले MSP सरकार की मर्जी पर होती है, तो आप देखते होंगे हर बार MSP बढ़ती है, तो MSP कैसे बढ़ती है और क्या उसका आधार है ये मैकेनिज्म कभी भी एक दो लोग आके मेरे ऑफिस में आप समझ सकते हो जो आपको बताने के लिए हो। तो आपने 50% मुनाफे वाली बात कही, तो ये नरेंद्र मोदी जी के समय में ही ये निर्णय हुआ, लागू हो गया है। अब रबी और खरीफ की प्रति वर्ष जो MSP है इस आधार पर ही 50% मुनाफा जोड़ के घोषित किया जाए। दूसरा जो आपने फसल बीमा की बात कही, फसल बीमा में आप देखेंगे तो पहले तो फसल बीमा का कोई और छोर था ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद फसल बीमा को परिमार्जित किया, फिर किसान से 1.5 और 2% प्रीमियम निर्धारित किया रबी और खरीफ का, बाकी सरकार को देना होता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार ये शिकायत आती रही कि साहब जो बैंक से लोनी किसान है वो चाहे तो भी उसको बीमित कर दिया जाता है, जो नहीं चाहे तो भी कर दिया जाता है। तो दोबारा मोदी जी ने कहा कि भाई इसको देखो, तो हमने स्वैच्छिक भी कर दिया, जबकि आपका जो कहना है उसके आधार पर एकदम प्रतिकूल है, आपका कहना यह है कि जबरदस्ती घर जाके करना ही चाहिए। तो अब उसके लिए एक मैकेनिज्म है, लेकिन ये सुझाव ठीक है, और इसके लिए जब राज्य सरकारें कंपनियों को टेंडर करती हैं तो मुझे लगता है लेकिन जी इसको हम नोट करके रखें, क्योंकि ये बात पिछले बार भी एक बार अपन जब समीक्षा कर रहे थे तो आई थी कि जिस प्रकार से बाकी इंश्योरेंस होते हैं तो फसल बीमा के लिए वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, तो उससे बीमित किसानों की भी संख्या बढ़ेगी और